दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल CS वाले में। दोस्तों जैसे फिजिक्स चल रहा था, फिजिक्स में दो चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। उसमें दो चैप्टर में एक था जो बेसिक था, पहला चैप्टर की मेजरमेंट वाला, दूसरा वेक्टर वाला था। ये दो चैप्टर हो गए, ठीक है। और दो चैप्टर के बाद मैं आपको बोला था कोई डाउट हो या कुछ क्वेश्चन हो तो भेजो, फिर उसका लिए दो तीन दिन टाइम दिया गया था कि पीछे वाली वीडियो पहले क्लियर कर लो लेक्चर, उसके बाद अगला लेक्चर होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशन, ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। इसका मतलब क्या पहले समझ लो, ठीक है। मोशन भी जैसे मोशन एक हो गया, ये है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो एक ही डायमेंशन में है ना, ये तो एक्स एक्सिस पे जा रहा है, मान ले ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर हो गया, तो एक ऊपर ही जा रहा है। तो देखो जब एक डायरेक्शन में केवल जाएगा तो कौन सा वो है, ये तो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, ठीक है। जब ऐसा एक कोई रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन। और जब फिर अगला एक इससे अगला चैप्टर है मोशन इन टू डायमेंशन, उसमें क्या होगा, एक्स भी होगा और वाई भी होगा, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स वाली तो ये वाई वाली, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो मोशन कौन सा होगा, टू डायमेंशन में, यानी जब कोई मोशन दो, कोई भी मोशन दो डायमेंशन में होगा उसे क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन। और जब एक एक उसमें होगा एक्सिस पे होगा तो वन डायमेंशन, मान लो मैं चल रहा हूँ वैसे, ठीक है, तो एक ही एक्सिस में हो रहा है ना, एक ही ये वाली वाई वाली चल रही है, एक्स वाले जो भी मान लो चल रहे हैं। फिर मान लो कोई पतंग उड़ रही है, पतंग कैसे उड़ेगी, एक बार इधर जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार नीचे जाएगी, एक बार ऊपर जाएगी, वो तीनों डायमेंशन में होती है, तो मोशन इन थ्री डायमेंशन होता है वो, ठीक है। और इसके बाद चलो वन डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी ही डिस्टर्बेंस आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जैसे वन डायमेंशन समझ में आएगा क्या होता है। एक ही डायरेक्शन में यानी एक ही एक्सिस पे जब कोई मोशन होता है उसे क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन मोशन। जब दो डायरेक्शन में होगा उसे क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन मोशन। जब तीन डायरेक्शन में होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो जब ऐसे कोई मोशन होगा उसे थ्री डायमेंशन मोशन बोलेंगे। तो वन डायमेंशन पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से लग रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, मान लो कि अब मैं यही दो लूंगा, ये मेरे पास हथियार हथियार है हमारे, ठीक है, बिना हथियार के लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, तो हमारे पास दो हथियार ही है। एक पढ़ने लिखने वालों के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा हथियार पेन उसकी होती है, ठीक है। अगर उसके हाथ में कलम है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारे हाथ में तो ये हथियार यही है हमारे, तो मान लो कि ये है, ये एक इस डायरेक्शन में जा रही है, ये 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गई, ठीक है, ये ब्लैक वाली 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, ठीक। और ये वाली है ग्रीन, ये गई 15 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 15 किलोमीटर 8 किलोमीटर। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, यानी एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में बताओ, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। अब समझ में आया, एक बार और सुनो, ठीक है, ये अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छा बनना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझ रहे हो रिलेटिव वेलोसिटी का, तो ये आगे चल के बहुत काम देगा। एक बार फिर से सुन लो, ठीक है, ये है दो, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वन डायमेंशन में मोशन कर रही है, यानी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऊपर करे या नीचे करे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। ये मान लो ये गई ऐसे, ठीक है, 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये वाली। अब ये भी है, फिर ये भी जाना सोच रही है, ये 15 लगा दिए मान लो, तो पूछेगा क्वेश्चन कि ब्लैक वाले की वेलोसिटी बताओ ग्रीन वाले की रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, ग्रीन वाले की वेलोसिटी बताओ और ब्लैक वाले की रिस्पेक्ट में, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं जो एक के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। उसे लिख लो पहले, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। मान लो ये थी V1, जो ब्लैक वाला है V1, उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और V2 है क्या है 15, मान लो जो एग्जांपल दिया गया वही ले लो 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हो गया। अब इसमें पूछा है कि V12 बतानी है, यानी V1 की बतानी है जो पहले वाली है, इसकी वेलोसिटी बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। V1 की बतानी है किसके, V12 के रिस्पेक्ट में, यानी पहले की इसकी वेलोसिटी बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, V2 के, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला बस थोड़ा याद कर लो, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं समझाई थी इतना अच्छे से आपको एकदम, मतलब रियल लाइफ में कि कैसे क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सुनो पहले, यहाँ जैसे V12 ये ध्यान देने वाली चीज है, V12 अगर यहाँ 2-1 आ गया तो कुछ और मतलब आ जाएगा उसका, अगर 1-2 है तो कुछ और मतलब है, ठीक है। V12 है यहाँ पे, तो यानी पहले की वेलोसिटी निकाल लिया किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, V1 - V2, ठीक है, ये हो गई पहले की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी V1 की वेलोसिटी निकाल लिया हम किसके रिस्पेक्ट में, 2 के। वैसे यहाँ रख लो V12 क्या है, V1 क्या है 8, क्या है -15, यानी क्या होगी स्पीड 8 - 15 क्या है 7,
ठीक है, यानी 7 किलोमीटर पर आवर क्या उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है एक दूसरे के जो वेलोसिटी है। और ये जो माइनस साइन है ये कभी कभी डायरेक्शन का भी बता देता है, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या उन दोनों की अपोजिट है, ठीक है। माइनस साइन क्या बता देता है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर इसका पूछ ले कि वी टू के रिस्पेक्ट बतानी है वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, वी वन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी यहाँ बोल दे वी टू वन, तो कुछ नहीं करना वी टू माइनस वी वन, ठीक है। 15 - 8 7 हो गया किलोमीटर पर आवर। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या, देख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर और कोई एग्जांपल है क्या, यहाँ कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल तो यहाँ दिख नहीं रहा है, बस यही मेरे पास तो दो हथियार यही है, अगर इससे फिर से समझना चाहते हो समझ सकते हो, चलो इसी से समझ लो। एक बार फिर से एग्जांपल यही है कि मान लो अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं गया यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, ठीक है, 8 किलोमीटर। एक कोई और लड़का है, मान लो वो लड़का भी मैं ही हूँ, हो गया 15 किलोमीटर। फिर पूछ रहा है कि पहला वाला जो लड़का था और दूसरे वाले की रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उन दोनों की वेलोसिटी बताओ। तो ऐसी वेलोसिटी क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इसे थोड़ा सा रियल लाइफ में फील करके आप समझ लो डिफिनेशन, ठीक है। डिफिनेशन याद करोगे ना तो कुछ याद होगा, फिर भूल जाओगे। और जब रियल लाइफ में फील कर लिए कि एक की वेलोसिटी दूसरे की रिस्पेक्ट में जब निकाली जाती है, ऐसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल में दोनों बताई दे, वी वन टू या टू वन, और ये थोड़ा यहाँ समझने वाली चीज़ है, 1-2 और 2-1, ठीक है, 1-2 और 2-1, ये दोनों समझ लो चीज ये, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वन डायमेंशन भी समझ गए कि एक ही एक्सिस पे हो, या तो एक्स एक्सिस पे मोशन हो या वाई एक्सिस पे मोशन हो, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन बोलेंगे, ठीक है। मोशन का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, गति, ठीक है, यानी मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ क्या हो रहा है, गति हो रही है मेरी, ठीक है, यानी गति हो किसी एक एक एक्सिस पे, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। ये 11th का चैप्टर है, क्लास 11th का, लेकिन इसमें जैसे मतलब यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपटीशन लेवल का थोड़ा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिप पढ़नी है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे अच्छे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है V1, ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्ट पूछ देगा, एयरफोर्स में ऐसे दे देगा V12, ये दे देगा, ये दे देगा, ठीक है, नेगेटिव साइन हटा देगा या नेगेटिव लगा देगा, ऐसे कर करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, जो बस कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखो और आगे से आगे बस पढ़ते जाओ, ठीक है। अगला देखो क्या आता है टॉपिक, इसे लिख लिए होगे उम्मीद करता हूँ मैं, ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। ठीक, यहाँ से देखो नोट पॉइंट बना के बनते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। यानी मान लो कि ये भी है, ठीक है, ये है और ये है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, अगर एक डायरेक्शन में ये दोनों जा रहे हैं ऐसे, ठीक, तो यहाँ क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, थीटा इक्वल टू 0, यानी फिर जो वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी, V1 - V2, ठीक है। ये देख लो, अगर थीटा की वैल्यू एक, अगर एक डायरेक्शन में कोई हो रहा है, ठीक है, यानी ये भी ऐसे जा रहा हो और ये भी ऐसे जा रहा हो, दोनों का क्या हो, एक तरफ जा रहे हो, ठीक है, ऐसे मोशन में अगर होगा कोई तो उसे क्या बोलेंगे, थीटा की वैल्यू वहां क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1-2 होता है, V1 - V2, ठीक है। और जैसे अब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जैसे ये है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो वहां कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये देख लो, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180, ठीक, देख लो, मान लो ये फिर से एक बार एग्जांपल समझो, एक अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर ये आगे जा रहा है पीछे जाएगा, अगर ये ऊपर जा रहा है नीचे जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। इससे पहले वाला क्या था, एक ही डायरेक्शन में हो, ये भी इसी डायरेक्शन में जाए, ये भी इस डायरेक्शन में जाए, जब दोनों एक डायरेक्शन में रहेंगे तो थीटा क्या होगा, 0। अगर अपोजिट है, ये आगे गया ये पीछे गया, एक ऊपर गया कि नीचे गया, वहां क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ जो इसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ देखो V12 का क्या होगा, V1 + V2, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। उससे पहले मैं बताया कि माइनस क्या डिनोट करता है, एक में यहाँ माइनस आया था, तो माइनस क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो वाला क्वेश्चन हो गया पिछले में, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया, ठीक। तो जो स्टार बना बना के बताया जा रहा है, इसे आप अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है, ये एग्जाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर जैसे होता ही है ना कि हम बहुत सारी चीजें लिखे रहते हैं, ठीक, बहुत सारी चीजें लिखे हैं, अब क्या पढ़े समझ में नहीं आता, जब कोई चीज हम इंपॉर्टेंट करके या स्टार करके अगर बना लेते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है, उसे हम तुरंत देखते हैं, हाँ ये स्टार है, जब पढ़ रहा था इंपोर्टेंट था मेरे लिए, ठीक है, तो उस पर तुरंत हमारा ध्यान चला जाता है अलग से, अगर स्टार बना के रहता है, ठीक है।
एक एक और बनता है यहाँ से, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यानी ये मोशन कर रहा है, ठीक है, ये इधर मोशन कर रहा है, ये इधर ऊपर मोशन कर रहा है, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन एक ही है, ये भी अलग है, ठीक है। एक देखो जो मोशन हो रहा है वो एक एक्सिस में ही हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला मोशन कर रहा है, ऊपर एक ही एक्सिस है ना, ऊपर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो एक्सिस तो एक ही है, तो वहां पे अगर थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, जो यहाँ इसका फॉर्मूला होगा क्या होगा, V12 इज इक्वल टू अंडर रूट में V1 प्लस V2, ठीक है। यहाँ से तीन क्वेश्चन बन गए एग्जाम के लिए, ठीक है, इसमें से घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कि मान लो कि कोई दो बॉडी है, ठीक है, वो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फिर इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से आपका एकदम क्लियर करवा दियो, देख लो कोई दिक्कत है क्या, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट CS1710 पे जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं क्या आता है, चलो एक क्वेश्चन ले लो अच्छा सा, ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे अब रिलेटिव वेलोसिटी समझ रहे, जो अब तक मैं क्वेश्चन दे रहा था वो क्या था, रियल लाइफ का था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे लो जो एग्जांपल में, वो एग्जाम में आया, ठीक है, या तो किसी भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वहां देख लो, क्वेश्चन बन रहा है कि टू ट्रेन अलोंग द सेम स्ट्रेट रेल, ठीक है, यानी दो ट्रेन है, ठीक है, मान लो एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, दो ट्रेन, ठीक है, मूव अलोंग विद द कांस्टेंट स्पीड, इन दोनों की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यानी अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर से है, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर की होगी, ठीक, कांस्टेंट स्पीड का मतलब दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, ठीक है। अगर उसके बाद क्या पूछ रहा है, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन ये बना पूछ रहा है कि इन दोनों का जो बताना है हमें कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ देख लो, जब सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ रख लो डायरेक्ट फॉर्मूला, और तो कुछ बना नहीं है इसमें, तो यहाँ क्या होगा, V12 इक्वल टू 60 प्लस 60, ठीक है, यानी V12 क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है, यानी 120 किलोमीटर पर आवर, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी है एक दूसरे की, जो मतलब एक दूसरे का जो इनका गति करने का वो है स्पीड है, वो क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद अगले में फिर पढ़ते हैं कुछ नया चीज, ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक भी देख के आप भी आया करो, कमेंट भी कर लिया करो, जो भी समझ में आए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।